तो हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, होली आने वाली है, तो सबके यहाँ सफाई सब लोग करेंगे। तो वही आज हम जा रहे हैं सफाई करने, तो चल चलते हैं। और आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहना, ठीक है? और जो मेरे चैनल में नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलते हैं और देखते हैं कि हमको कहाँ सफाई करनी है, कौन सा मतलब घर को पोतना है, लीपना है, क्या करना है, ठीक है? तो ये देखो, मेरी दीदी पोतने में लगी है और हम भी पोताएंगे। तो हम लोग सफाई कर रहे हैं, आप लोग भी जल्दी जल्दी सफाई कर लो, ठीक है, अपने अपने घर की। तो गाइस, अब मैं भी जा रही हूँ पोतने। तो ये देखो, पता है मैं यहाँ, ये नीचे ये ऐसी दीवार पोतूंगी, ये वाली, और दीदी ये ऊपर ऊपर पोत रही है। तो हम इतना हम लोगों ने पोत डाला है, ये देखो, ये इतना पोत गया यहाँ तक, पर अभी काफ़ी बाकी है। तो अब हम जा रहे हैं वो लेने, यहाँ पे ये देखो, ये उधरा हुआ है ना, तो इसको छापने के लिए लेने जा रहे हैं आला, क्या बोलते हैं उसको हम, ठीक है, आला लेने, वो छापने के लिए। तो हम आपको दिखाते हैं और मेरे बारह चलते हैं, मतलब बारह से लेते हैं। तो ये है हमारा घर, ये चलते हैं अभी बाड़ा, आपको बाड़ा दिखाते हैं और वहाँ से लेके आते हैं छापने के लिए। ये यहाँ रास्ता है, ये भवानी दाई की, हमारे यहाँ की, हमारा बाड़ा। तो ये है हमारा बाड़ा, और दीदी इन सबको धूप से उधर छाँव में कर रही है, बढ़िया बड़ा भैंस को सब बांधी है। और हम जा रहे हैं आला लेने, तो ये हम कूड़ा फेंकते दीदी भूत बन गई, हे सफ़ेद भूत, हाँ चल बोल दीदी, वो छापने के लिए ले लो, मिट्टी माटी और गोबर मिलाओगी ना उसमें। चलो तो चलते हैं अभी और इस पर लेते हैं छापने के लिए। अब कच्चे घर हैं तो क्या कर सकते हैं, कि नहीं, अब कच्चे घर में तो मिट्टी से ही पोता जाएगा, वैसे हम लोग छुरी से पोत रहे हैं और मिट्टी छापेंगे, मिट्टी और गोबर। मेरी दीदी ने बना लिया है वो छापने के लिए, तो देख लो, मिट्टी और गोबर ए तो चलते हैं घर लेके और फिर से चलते हैं घर, फिर से पोताई करते हैं। मेरा मुंह ये देखो, हाथ छुई है, छुई देखा है आपने तो गाइस, हमने अपना ये घर के अलग पोत लिया है, तो आपको पोत दिखा, ये देखो पूरा पोत गया। और अब जा रहे हैं, इसको लीपने गोबर से। तो ये रहा गोबर, ऐसा सूख गया, ठीक है, इस पर मैंने गेरू मिला रखी थी, ओ तो इस पर मिक्स करेंगे। हमारा ये वाला घर लिप गया, पोत लिया, ये देखो पूरा वहाँ तक लिप पोत गया पूरा, ये मैंने लिपा है, कैसा लग रहा है ये देखो। तो गाइस ये देखो, हमने ये घर भी अपना पोता है, पोता लिपा है, तो देख सकते हो। और दिखाते हैं, ये वाला तो आपने देखा ही था, और ये वाला भी पोता लिपा है, ये देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक। देखो मेरी दीदी ने चूना चूना ना पापा लेके आए थे, ये रखा है, और दीदी ने इस पर गोली आए, और ये कलर है पिंक कलर है ना, हाँ तो ये डाल लिया है, और ये डंडा से मिक्स कर रही है। तो ये देखो, और हमको पोतने चलना है, और दीदी ने हाथ दिखाओ, पन्नी भी पहन लिया हाथ में, क्या करें, ग्लव्स तो है नहीं, देखो यहाँ क्या करोगी। और गाइस मेरी दीदी ने तेल लगा लिया है, तो हाथ नहीं फटेंगे ना, चूना से पोत रहे हैं ना, इसलिए ये देखो कलर मिक्स कर रही है। चलो आपको दिखाते हैं, और हमको यहाँ पोतना है, यहाँ लाइट नहीं है, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना, ठीक है, तो थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो यहाँ पर पोताई करनी है हमको, ये ऊपर हम लोग का अनाज रखा है, दाना चावल वावल सब रखा है, और यहाँ हमको पोतना है भैया, इधर
यहाँ तो चलते हैं। ये देखो मेरी दीदी, ये वाला कमरा पोत रही है, ये देखो बाल्टियाँ रखे हैं ही, और ये इधर से इतना पोत डाली है और वो हमारी ढोलकिया की है। तो ये अभी का इतना बचा है, काफ़ी बचा है अभी, ये देखो। और आपको दिखाते हैं हम अपना बाड़ा, अपना बाड़ा भी हम लोगों ने पोता लिया है तो दिखाते हैं। ये देखो यहाँ पोताई लिपाई की है पूरे में, देखो। और मेरी दी मैं इसके भूसा डाल दी है, ये देखो तो करे करी ना पका दी। चाची मेरी नशे नहीं लगे जा रही तो कहाँ जाती है लड़के है बता दे, मेरी चाची नशे नहीं लेके जा रही है क्या पोत का है उधर सामने चाचा बैठे हैं, उधर चाचा बैठे हैं सामने, तो वही चाची घूंघट काट रही हैं। चले दे अगर रात है।